हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए मजेदार से वीडियो में। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत का खबर तो आप लोगों के पास पहुंच ही गया होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत हो जाती है 96 साल की एज में, 70 इयर्स तक यूनाइटेड किंगडम के राज करने। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 8 सितंबर 2022 को 96 इयर्स की एज में 70 साल तक यूनाइटेड किंगडम पर राज करने के बाद क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हमारे इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडजोर है। उनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मैफेयर में। क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडजोर है। उनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 को इंग्लैंड के उनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल को 1926 में यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड के लंदन की मेफर में। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड लोगों के लिए इतना खास क्यों थे। वैसे तो वक्त आने पर वक्त पे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, लेकिन उनके मौत पर तो इतना ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाता। फिर क्यों क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को लेकर इतना ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है, क्यों क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत को लेकर इतना हल्ला मच रहा है, क्यों हर एक देश में सिर्फ और सिर्फ हर एक देश के न्यूज़ चैनल्स पर उनकी वीडियोज़ छाए पड़े हैं, उनकी मौत का खबर छाए पड़े हैं। आज की इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम देंगे, इसलिए वीडियो में बने रहना अंत तक। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। अगर मैं बात करूं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत पर इतना ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह यह है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के ही क्वीन नहीं थी, बल्कि वो हमारे देश के लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को मौत का लेकर इतना हल्ला क्यों मच रहा है, तो इसकी वजह यह है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की ही क्वीन नहीं थी, बल्कि वो हमारे इस दुनिया के 15 अलग अलग देश के भी हेड ऑफ स्टेट थे, जिनमें से न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल है। एक देश का हेड ऑफ स्टेट वो होता है जो कि अपने राष्ट्रपति एक देश का राष्ट्रपति उस देश का हेड ऑफ स्टेट होता है। लेकिन कुछ देश हमारे इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका खुद का कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं होता है, यानी कि उनका राष्ट्रपति नहीं होता है, बल्कि जो भी इंसान या फिर जो भी राजा या फिर रानी यूनाइटेड किंगडम के थ्रोन पर बैठते हैं, यानी कि गद्दी पर बैठते हैं, वही उन 15 देशों के भी हेड ऑफ स्टेट बन जाते हैं। क्योंकि जब हमारा इंडिया, पाकिस्तान जैसे ज़्यादातर देशों ने जब हमारा क्योंकि जब हमारे इंडिया, पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े देशों ने, ज्यादातर देशों ने फ्रीडम के बाद यूनाइटेड किंगडम से पूरी तरह से उनको आजाद कर लिया था, ऐसे में 15 देश ऐसे भी थे जिन्होंने उनको जब हमारे इंडिया, पाकिस्तान जैसे देश आजादी के बाद यूनाइटेड किंगडम से पूरी तरह से आजाद हो गया था, ऐसे में हमारे दुनिया के 15 ऐसे भी देश थे जो आजादी के बाद भी अपने देश का हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देने की वादा किया था जो कि यूनाइटेड किंगडम के गद्दी पर बैठेगा, यानी कि थ्रोन पर बैठेगा। और उन 15 देशों में मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल है। और आज इसी वजह से हमारा ये और आज यही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम की क्वीन यानी कि एलिजाबेथ सेकंड की मौत के बाद यूनाइटेड किंगडम पे जो असर पड़ रहा है, वही असर हमें इस दुनिया के 15 देशों में भी देखने को मिलेगा। और यही एक वजह है जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत को लेकर पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा हल्ला मच रहा है, पूरी दुनिया इतना ज़्यादा सदमे में है। और साथ ही क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हमारे इस पूरी दुनिया में सेकंड पोजीशन पर आता है जो कि दुनिया पे लंबे समय तक राज किया है।
और फर्स्ट पोजीशन पे एक फ्रेंच का राजा आता है जिन्होंने 72 साल तक राज करके इस दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने की रिकॉर्ड को बनाया है, और उसमें से क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है जिन्होंने 70 साल तक राज करके सेकंड पोजीशन को होल्ड किया है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत के बाद उनका फ्यूनरल 10 दिन बाद यानी कि 19 सितंबर 2022 को किया गया है, और उसी के बाद अब हमारे इस पूरी दुनिया के जो भी वो 15 देश है जो यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है, और साथ ही यूनाइटेड किंगडम को भी अपने नया किंग मिल चुका है। पॉज कीजिए दोबारा कर दिया। यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ ही उन 15 कंट्रीज को भी अब उनका नया किंग मिल चुका है जो कि है चार्ल्स थर्ड, और ये रिश्ते में क्वीन एलिजाबेथ के बेटे लगते हैं। अब दोस्तों, वक्त के पास हर मर्ज का दवा है, वक्त हर चीज को भुला देता है, और वक्त धीरे धीरे क्वीन की मौत को दोबारा कीजिए। सही हुआ था रे बाबा, दोबारा करेंगे इससे बेहतर करेंगे, बुरा नहीं होगा। दोस्तों, वक्त हर चीज को भुला देता है, वक्त के पास हर मर्ज का दवा होता है, वक्त धीरे धीरे क्वीन को पॉज नहीं करना, वक्त धीरे धीरे क्वीन को भी भुला ही देगा एक दिन हमारे बीच से, लेकिन आप दोबारा करेंगे इसको। दोस्तों, वक्त हर चीज को भुला देता है, वक्त के पास हर मर्ज का दवा होता है, वक्त धीरे धीरे एक दिन क्वीन की मौत को भी हमारे बीच से भुला ही देगा, लेकिन अगर आप हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।